In this video, we will see the stepwise illustration of Kruskal's algorithm to formulate a minimum cost spanning tree. तो basically यहाँ पे हमने एक example लिया है. हमारे पास एक undirected graph है और इस undirected graph में total 7 vertices है और जितने भी edge weights हैं उनको, जितने भी edges हैं उनको कुछ edge weights दिया है और फिर बोला गया है कि as far as given graph is concerned, here we have to show stepwise execution of Kruskal algorithm for formation of minimum cost spanning tree. तो basically in Kruskal algorithm we have to perform totally 3 steps so that after execution of all those 3 steps there will be the formation of minimum cost spanning tree. तो इसके लिए हमारा step 1 है. Step 1 is about formation of a set. तो basically step 1 के लिए हमें ये 3 लाइन के कोड को एग्जीक्यूट करना होता है. 3 लाइन कोड है a equals to 5 for each vertex v belongs to v of g do make set v. अब इसका मतलब क्या है? ये का मतलब है हमारा आंसर जो अल्टीमेटली हमें रिटर्न करना है. तो हमारा आंसर क्या है? मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. तो इनिशियली मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को यानी हमारे आंसर स्टेट को हमने 5 करके सेट करके रखा है और जैसे जैसे हमारा एल्गोरिदम आगे बढ़ेगा ऑटोमेटिकली हमारा स्पैनिंग ट्री इस आंसर स्टेट में एड होते जाएगा. आफ्टर दैट फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग्स टू वी ऑफ जी, ग्राफ के हर एक वर्टेक्स के लिए व्हाट वी हैव टू डू, डू मेक सेट ऑफ वी. अब मेक सेट ऑफ वी फंक्शन क्या बोलता है? मेक सेट ऑफ वी फंक्शन बोलता है आपके ग्राफ में जितने भी वर्टेक्सेस दिए हुए हैं हर एक वर्टेक्स के लिए आपको सेट बनाना है और याद रहे एक सेट में एक ही नोड होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, जितने भी हमारे पास यहां पे नोड्स दिए हैं वो नोड्स के हमें यहां पे सेट बनाना है. तो नोड्स कितने हैं हमारे? टोटल 7. तो हम सातों के सातों वर्टेक्स को हम लिख लेते हैं. तो वर्टेक्स है हमारा ए, बाद में है बी, बाद में है सी, देन डी, देन ई, देन एफ एंड देन जी. तो सबसे पहला सेट है हमारा ए, उसको नंबरिंग करके रख दिया हमने 1. सेकंड सेट है हमारा बी, उसको नंबरिंग करके रखा हमने 2. थर्ड सेट हमारा सी, थर्ड, देन फोर्थ, देन 5, देन 6 एंड देन 7. जितने भी हमारे वर्टेसिस थे हर एक वर्टेक्स को हमने सेट नंबर देकर रखना. दिस इज व्हाट आवर स्टेप नंबर 1. व्हाई? बिकॉज ये जो सेट नंबर्स है यही सेट हम साइकिल फॉर्मुलेट हो रहा है या नहीं इस चीज को चेक करने के लिए स्टेप नंबर 3 में यूज करने वाले हैं. तो स्टेप 1 का फिर से समराइजेशन, आंसर सेट ए इज इक्वल्स टू 5, जितने भी ग्राफ के वर्टेसिस दिए हैं उनके सेट नंबर बनाना है, एक सेट में एक ही नोड आना चाहिए, टोटल 7 वर्टेक्स हमारे पास है इसलिए टोटल सेट कितने बनेंगे? 7. और हर एक सेट को यूनिक नंबरिंग करना है तो हमने यूनिक नंबरिंग करके रखा है फ्रॉम 1 to 7. नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 2. स्टेप 2 इज अबाउट सॉर्टिंग ऑफ एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर बाय देयर एज वेट्स. तो हमारे ग्राफ में जितने भी एजेस दिए हुए हैं वो एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है उनके एज वेट के हिसाब से. तो देयरफॉर वी हैव टू फॉर्मुलेट हियर सॉर्टेड एज लिस्ट. दिस इज व्हाट द बेसिक एम ऑफ स्टेप नंबर 2, टू फॉर्मुलेट सॉर्टेड एज लिस्ट सो दैट एजेस विल बी देयर इन अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज वेट्स. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जितने भी एजेस दिए हुए ये एजेस को भी हम सॉर्ट कर लेते हैं. सॉर्ट करते वक्त सबसे पहले उस एज को कंसिडर करेंगे जिसका एज वेट सबसे कम है. तो हियर वी हैव एज एंड देन देयर वेट. तो सबसे पहला एज जो है वो है ए टू बी और इसका एज वेट जो है वो 10. तो वी हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर एज. After that next age is F to E, F to E और E to E आप कैसे भी लिख सकते हैं because graph जो है आपका undirected है. तो it will be equals to 12. We have included this. Next age जो दिखेगा that is GC और CG. तो here we have CG and CG weight is 14. After that next we have 16. This is CE, C to E 16. Next edge is G to F 18. So G to F this is 18. After that next edge here 28, 22, 24. So here we have to go to 22. DF, D to F 22. Next we have to go to 24. D to G. So D to G 24. Next edge 25 and 28 we have to go for 25 BD. So B to D
it's 25. And last we have to go to A to C, it is 28. So A to C, age weight is 28. Once again we have to check, have we included all the ages? Yes, definitely we have included all the ages. So in step number 2, what we have to do? We have to formulate sorted age list. So ages हमारे पास है और age list जो बनाएंगे वो ascending order of weight होना चाहिए. तो 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25 and 28, all the ages are in a sorted manner. So this was about step 2. Now step number 3 is about formation of MST. So basically इस step में हमें minimum cost spanning tree बनाना है और minimum cost spanning tree बनाते वक्त जो भी हमने step number 2 में sorted age list बनाया है उस sorted age list में से ages को ascending order of weight के हिसाब से include करते जाना है. किसी भी age को include तब करेंगे हम minimum cost spanning tree बनाने के लिए जब उसकी वजह से cycle form नहीं होगा. तो whenever we are adding any particular age into a minimum cost spanning tree and due to which if there is no formation of cycle, then definitely we have to include that particular age into our spanning tree, otherwise we have to reject it. This is what a logic. और इसके लिए हमने यहाँ पे logic code भी रख के रखा है कि किसी भी age को include करने की वजह से cycle आएगा या नहीं, उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लिख के रखी कि जब कभी भी हम किसी भी एज को कंसीडर करेंगे तो एज को हम बोलेंगे यू टू वी. तो एज जो रहेगा यू टू वी, यू यानी स्टार्टिंग पॉइंट, वी यानी एंडिंग पॉइंट. तो यू टू वी ये एज अगर ले रहे हैं तो हम चेक करेंगे उसका स्टार्टिंग वाला जो वर्टेक्स है उसका सेट नंबर क्या है और एंडिंग वाला वर्टेक्स जो है उसका सेट नंबर क्या है. तो फॉर एनी पर्टिकुलर एज यू टू वी स्टार्टिंग पॉइंट का सेट नंबर और एंडिंग पॉइंट का सेट नंबर अगर इक्वल नहीं है, मीन्स फाइंड सेट ऑफ यू नॉट इक्वल्स टू फाइंड सेट ऑफ वी अगर है, तो सिंपली उस एज को हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में ऐड करेंगे और जो भी यू और वी हमने वर्टेक्स लिए थे उनका सेट नंबर कंबाइन करके एक कॉमन सेट नंबर बनाएंगे. तो दिस इज व्हाट अ लॉजिक. तो कभी भी किसी भी एज ने साइकिल फॉर्म करना है या नहीं करना है ये हमें सिंपली उस एज के दोनों वर्टेसेस के सेट नंबर से पता चल जाएगा. दोनों का सेट नंबर सेम है इसका मतलब साइकिल फॉर्म हो रहा है. वी हैव टू गो फॉर रिजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एज, अदरवाइज वी हैव टू एक्सेप्ट इट. तो हम वन बाय वन हर एक एजेस के लिए लेते हैं. तो स्टेप नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ एमएसटी, फर्स्ट वी विल कंसिडर द एज ए बी. Why? Because sorted age list में से जिस हिसाब से हमने sort करके रखा है उस हिसाब से हमें उन एजेस को इंक्लूड करना है. बिकॉज इट इज ए ग्रीडी बेस्ट स्ट्रेटेजी और ग्रीडी में जनरली हमारे लिए लोकल बेस्ट अभी जो रहेगा वो रहेगा ए बी, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर एज. तो हियर वी हैव टू गो फॉर एज यू वी इज इक्वल्स टू ए बी. अब यू वी इज इक्वल्स टू ए बी अगर जा रहे हैं तो यू हमारा होगा ए और वी होगा हमारा बी. तो हियर वी हैव टू गो फॉर फाइंड सेट ऑफ यू and we have to go for find set of v. अब find set of u बोले तो a का set number, what is the set number of a? 1. and we have to go for find set of v बोले तो b, तो find set of v, b is equals to 2. तो both are equal or not equal? Both are not equal, means find set of u not equals to find set of v. This condition is true or false? True. और ये condition अगर true है तो what you have to do? You have to go for simply a will be equals to a union u comma v. तो अभी simply आपके a में क्या आएगा? ये initially phi था और u भी आएगा. u भी यानी क्या होगा? a b. तो हियर ए एंड बी विल बी इंक्लूडेड योर आंसर स्टेट, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू गो फॉर यूनियन ऑफ यू वी. अब आपके आंसर स्टेट में ए टू बी इस एज को अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं इसका मतलब ए टू बी दिस पर्टिकुलर एज विल बी एडेड टू योर मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू गो फॉर यूनियन ऑफ ए बी. तो ए बी का आपको यूनियन करना है और ए बी का जब आप यूनियन करेंगे तो नाउ दिस विल बी द वन सेट, एंड कोई एक सेट के लिए एक ही नंबर देना है तो हम लोवेस्ट नंबर प्रिजर्व करेंगे. तो दैट्स वाई वी आर प्रिजर्विंग हियर लोवेस्ट नंबर. तो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन हियर वी हैव आउटपुट ए बी विल बी इंक्लूडेड इन टू अ सिंगल स्टेट, मीन्स देर विल बी अ सेम वन वन स्टेट और वन सेट. देन सी
डी ई एफ एंड जी. तो यहां से भी आप देख सकते हैं यार, दिस इज व्हाट योर वन सेट, और बाकी अलग अलग नोट्स के जो रहेंगे वो अलग अलग सेट्स रहेंगे. तो टोटल सेट्स आपके पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो जितने भी 6 है, ये 6 आपके स्पैनिंग ट्रीज है. तो दिस वॉज अबाउट इटरेशन नंबर 1. नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट इटरेशन. तो इन प्रीवियस इटरेशन वी हैव कंसिडर्ड ए बी एच. नाउ इन दिस इटरेशन वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट एज, एज इज एफ ई. तो फॉर एज यू वी विल बी इक्वल टू एफ ई. तो वी हैव टू कंसिडर अबाउट दिस एज. तो यू विल बी इक्वल टू एफ एंड वी विल बी इक्वल टू ई. तो वंस अगेन वॉट वी हैव टू डू, सिंपली हियर वी हैव टू गो फॉर फाइंड सेट ऑफ यू एंड फाइंड सेट ऑफ वी. तो फाइंड सेट ऑफ यू मीन्स एफ का सेट नंबर. What is F set number? 6. Find set of V means V का set number. V is E. तो V का set number 5. Both are equal? No. तो both are not equals. Therefore, find set of U not equals to find set of V. It will be equals to true. It indicates that there is no cycle. Therefore, there is no cycle. And we have to go for accept एज एफ ई. तो हियर वी हैव टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर एज. और इस एज को जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये में एड कर देंगे. तो ये में जब हम एड करेंगे तो वी हैव टू गो फॉर एज एफ ई. तो एफ टू ई दिस विल बी द एज एंड दिस पर्टिकुलर एज विल बी एक्सेप्टेड टू अवर आंसर स्टेट. एंड आफ्टर दैट वॉट वी हैव टू डू, तो हियर इनिशियली एक्सेप्ट एज का डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते. इट विल बी इक्वल टू ए ए यूनियन यू कॉमा वी. अब एक्चुअली आपके ए में क्या था, ए में ऑलरेडी आपके पास ए भी था और अभी आपने किसको ऐड किया, एफ ई को. तो फाइनली अगर आपका ए बनेगा तो ए में क्या रहेगा, ए विल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एज दैट इज ए बी एंड नेक्स्ट एज दैट इज ई एफ. ई एफ या फिर नॉट ई एफ, दिस इज यस ई एफ और एफ ई. तो इट विल बी ई एफ, गेटिंग इट. एंड आफ्टर दैट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर दिस यूनियन. तो यू हैव टू परफॉर्म यूनियन ऑफ यू एंड वी. तो वॉट वॉज यू, एफ एंड ई. तो एफ और ई का यहाँ पे आप यूनियन करोगे. तो हियर यू हैव टू परफॉर्म यूनियन. और यूनियन परफॉर्म करने के बाद सेट का नंबरिंग यूनिक रखना है. अब यहाँ पे दो दो नंबर है एक सेट के लिए, तो आपको क्या करना है, एक नंबर हटाना है, एक रखना है. तो हमारा लॉजिक क्या है, लोएस्ट नंबर प्रिजर्व करेंगे, इसलिए हम 6 को हटा देंगे. तो आफ्टर प्रोसेसिंग दिस पर्टिकुलर एज एफ ई, एफ ई को हमने इंक्लूड किया. और एफ ई को इंक्लूड करने के बाद अभी हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेट्स है. तो 5 सेट्स यहाँ से भी दिखेंगे आपको, 1, 2, 3, 4 and 5. Now we have to go for a next stage. Now in this iteration we have to go for next stage. तो हमारे sorted age list में से next stage consider करेंगे हम CG. तो for age U will be equals to CG. अब CG age के लिए हम जाएंगे. तो U कौन होगा हमारा, C. और V कौन हमारा, G. तो C का set number find out करेंगे. तो set number of C is 3. और V का set number अगर find out करते हैं तो G का set number कितना है, 7. तो फॉर सी इट इज 3, फॉर जी इट इज 7. तो फाइंड सेट ऑफ यू इज इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ वी है क्या, नहीं, बोथ आर डिफरेंट. तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू. और जब ये कंडीशन ट्रू होता है तो साइकिल फॉर्म होगा या नहीं होगा, तो देर इज नो साइकिल, देयरफॉर नो साइकिल. और अगर साइकिल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट दिस एज. अब इस पर्टिकुलर एज को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. जब एक्सेप्ट करेंगे तो उसको ए में ऐड कर देंगे. और ए में अगर ऐड कर देते हैं तो ऑलरेडी ए में कौन था, ए बी, और कौन था, ई एफ या फिर एफ ई. तो अभी कौन सा एज ऐड हो जाएगा, सी जी. तो सी जी दिस पर्टिकुलर एज विल बी एडेड टू योर स्पेनिंग ट्री. तो अभी सी जी एज आपके आंसर स्टेट में आ गया, गेटिंग इट. तो हियर आई एम नॉट राइटिंग एंटायर, क्योंकि ऐसा लिखते जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा. जस्ट सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर कि ये अगर हम बोलेंगे तो ये में अभी कौन है, ए बी, और कौन है, सी जी, और कौन है, ई एफ. तो वी हैव डन दिस. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर यूनियन. तो अभी हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे. अब यूनियन करते वक्त किसका यूनियन करना है, सी और जी का. तो सी यहाँ पे और जी यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन. तो सी और जी ये दोनों का यूनियन करेंगे. यूनियन करने के बाद अभी बन जाएगा ये एक सेट. और सेट नंबर प्रिजर्व कौन सा करेंगे, 3. तो अभी टोटल हमारे पास स्पैनिंग ट्रीज कितने हैं,
1, 2, 3 and 4. आपको यहां से भी दिख सकते हैं, दिस इज वन स्पैनिंग ट्री, दिस इज वन एंड दिस इज वन एंड दिस वन इज वन. तो आफ्टर दिस पर्टिकुलर इटरेशन वी हैव टोटल सेट्स 4, मीन्स टोटल स्पैनिंग ट्री 4. और आंसर स्टेट जो है, आंसर स्टेट में आपके पास में है ए बी सी जी एंड ई एफ. नाउ वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट स्टेज. Now we have to go for next stage. So from sorted edge list, next stage will be C. So here we have to go for C. So U कौन होगा हमारा? C. और B कौन होगा हमारा? E. So find set of U and find set of C. C का set number कितना मिलेगा हमें? 3. Find set of V कौन है? E. E का set number कितना मिलेगा हमें? 5. क्या दोनों equal है? No. Both are not equal. This condition is true. Therefore, no cycle. And if there is no cycle, you have to accept this edge. Therefore, you have to go for accept edge CE. अब CE edge को जब accept करेंगे, तो CE edge को accept कर दिया, उसका मतलब हमने उसको answer state में डाल दिया. तो जब किसी चीज को answer state में डाल रहे, हम यहाँ पे double edge से उसको indicate कर रहे हैं. तो this particular edge is accepted by answer state. तो अभी answer state में कौन होगा? AB, उसके बाद CE और CG. And EF. तो इस तरीके से चारों के चारों एजेस होंगे. And after that what we have to do? We have to perform union of CE. तो CE का union अगर हम perform करते हैं, तो CE कहीं आपका यहाँ है और ये आपका यहाँ पे है. तो what you have to do? ये पूरा का पूरा set आपको यहाँ पे add करना पड़ेगा. तो हम इस particular set को cancel कर देते हैं. तो CE के बराबर कौन आएगा? G. तो here G and C. These both will be included over here. और इसको set number आप 3 या 5 दे सकते हैं. तो हम 5 की जगह क्या दे देंगे? 3. तो दिस इज व्हाट अ सेट नंबर 3. तो राइट नाउ आपके पास टोटल सेट कितने हैं? ए बी वाला एक सेट, डी वाला एक सेट, सी जी ई एफ वाला एक सेट. ऐसे टोटल आपके पास 3 स्टेट्स है. तो यार टोटल 3 स्टेट है. यहां से भी आप देख सकते हैं, दिस इज वन सेट, दिस वन इज अनदर एंड दिस वन इज अनदर. नाउ वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट स्टेज. नाउ वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट स्टेज. तो सॉर्टेड एज लिस्ट में से नेक्स्ट एज जो है हमारा वो जीएफ है, क्योंकि ए बी एफ ई सी जी और सी ई ये एजेस हो चुके हैं. अब हमें जाना है नेक्स्ट एज के लिए जीएफ. तो नेक्स्ट एज इज जीएफ. तो यहाँ पे जीएफ में जी इज इक्वल टू यू होगा और वी इज इक्वल टू एफ होगा. तो फाइंड सेट ऑफ जी, जी का सेट नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे 3. एंड फाइंड सेट ऑफ वी, वी इज एफ, एफ का सेट नंबर आपको मिलेगा 3. तो फाइंड सेट ऑफ यू नॉट इक्वल्स टू फाइंड सेट ऑफ वी, ये कंडीशन ट्रू आ रहा है क्या? नो, इट इज फॉल्स. तो जब कभी भी फाइंड सेट ऑफ यू नॉट इक्वल्स टू फाइंड सेट ऑफ वी रहेगा, वो इंडिकेट करता है कि देर इज नो साइकिल. बट वो वाला कंडीशन कैसा है? फॉल्स. तो हम क्या बोलेंगे? देर इज साइकिल, देर इज साइकिल. और जब कभी भी साइकिल रहेगा तो उस एज को क्या करेंगे? हम रिजेक्ट करेंगे. देयरफॉर रिजेक्ट एज जी एफ. We have to go for rejection of this particular edge. तो ये तो हमें set number से पता चल गया. जब किसी भी edge के लिए एक vertex और दूसरे vertex के लिए अगर set number same आते हैं, तो वहाँ पे cycle रहता है. और cycle जब रहेगा तो हम क्या करेंगे? Reject करते. Check कर लेते एक बार manually कि वहाँ पे cycle आ रहा है या नहीं. तो we will go for ये GF. तो this is G and F. इस पर्टिकुलर एज को अगर हम इंक्लूड करते तो यहाँ पे कहीं इस तरीके का साइकिल बन जाता. एंड दैट्स वाई अगर साइकिल बन रहा है आपके स्पैनिंग ट्री में, तो फिर वो स्पैनिंग ट्री रहेगा क्या? नो. तो देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, इफ एनी पर्टिकुलर एज इज फॉर्मुलेटिंग अ साइकिल, तो सिंपली वी हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर रिजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एज. तो अभी हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एज को क्या करेंगे? रिजेक्ट. तो हियर वी हैव टू रिजेक्ट दिस एज. नाउ वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट एज. तो हियर नेक्स्ट एज इज डी एफ. So U is D and V is F. Find set of D. Find set of D is 4. And find set of F. Find set of F is 3. So both are equal. Both are not equal. Therefore find set of U not equals to find set of V. This condition is true. Therefore no cycle. And if there is no cycle, therefore accept that particular edge. So here we have to go for acceptance of edge DF. So DF edge will be accepted. So here we have DF edge over here. We have to accept this particular edge. अब इसको अगर accept करेंगे, तो accept करने के बाद उसको हम ये में union कर देंगे. Union करने के बाद अब union में जितने भी BA, GC, CE, EF and FD, all these edges are added to your set A.
एंड फाइनली यू हैव टू परफॉर्म यूनियन. यूनियन जब हम परफॉर्म करेंगे तो डी और एफ का यूनियन करेंगे, तो नाउ इट विल बिकम अ सिंगल सेट. और ये सिंगल सेट अगर बनेगा तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, सेट नंबर 3 से. तो हियर इट विल बी आइडेंटिफाइड एज अ सेट नंबर 3. नाउ वी हैव टू गो फॉर अ नेक्स्ट स्टेज. तो हियर वी हैव नेक्स्ट स्टेज डी जी. तो सेट नंबर ऑफ डी इज 3. सेट नंबर ऑफ डी इज 3 एंड सेट नंबर ऑफ वी, वी मीन्स जी. तो फॉर जी हियर सेट नंबर इज वंस अगेन 3. तो फाइंड सेट ऑफ यू नॉट इक्वल्स टू फाइंड सेट ऑफ वी, दिस कंडीशन इज ट्रू? नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स. और जब ये कंडीशन फॉल्स आएगा इसका मतलब क्या, देयर फॉर देयर इज साइकिल. तो हियर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ साइकिल एंड इफ साइकिल विल बी देयर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिजेक्ट दैट एज. देयर फॉर रिजेक्ट एज डी जी. तो वी हैव टू गो फॉर रिजेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एज. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डी जी इस पर्टिकुलर एज को अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता था, साइकिल बन सकता था. तो जब कभी भी कोई एज साइकिल फॉर्म करेगा तो वी हैव टू सिंपली गो फॉर रिजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एज. नाउ इन दिस इटरेशन वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट एज और नेक्स्ट एज इज बी डी. तो यार वी हैव टू गो फॉर बी डी. अब बी डी एज के लिए जाते हैं तो फाइंड सेट ऑफ बी, सेट नंबर ऑफ बी इज 1. फाइंड सेट ऑफ डी, सेट नंबर ऑफ डी इज 3. तो फाइंड सेट ऑफ यू नॉट इक्वल्स टू फाइंड सेट ऑफ वी, यस ट्रू. तो देयर फॉर नो साइकिल एंड इफ नो साइकिल देन व्हाट वी हैव टू डू, देयर फॉर वी हैव टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर एज. तो हियर वी हैव टू गो फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एज एंड एज बी डी विल बी एक्सेप्टेड. तो बी डी एज को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो सिंपली वी विल एक्सेप्ट इट. और इसको एक्सेप्ट करने के बाद ये पर्टिकुलर एज आपके आंसर स्टेट में ऐड हो जाएगा एंड आफ्टर दैट वी हैव टू परफॉर्म दिस यूनियन. और जब ये यूनियन परफॉर्म करेंगे तो बी और डी का यूनियन होगा एंड नाउ इट विल बी अ कॉमन सेट. और दो सेट नंबर नहीं दे सकते तो हियर वी हैव टू राइट ओनली वन सेट नंबर एंड दैट सेट नंबर विल बी 1. तो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर इटरेशन आपको क्लियर हो रहा होगा कि सारे के सारे नोड जो है वो आपके एक ही इटरेशन में आ गए, एक ही सेट में आ गए. और एक ही सेट में अगर आएंगे तो इसके बाद वाले जितने भी एजेस होंगे उनके लिए फाइंड सेट ऑफ यू नॉट इक्वल्स टू फाइंड सेट ऑफ यू, ये कंडीशन कैसे आएगा, फॉल्स. और वो क्या इंडिकेट करेगा, देयर विल बी साइकिल. तो लेट्स टेक अनदर एजेस. तो वी हैव कंप्लीटेड विद बी डी, नाउ वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट स्टेज. तो हियर वी हैव टू गो फॉर और लास्ट एज, और लास्ट एज इज ए सी. ए सी फाइंड सेट ऑफ यू, फाइंड सेट ऑफ यू मीन्स फाइंड सेट ऑफ ए का सेट नंबर है 1. फाइंड सेट ऑफ वी मीन्स सी सी का नेट सेट नंबर फिर से 1. तो फाइंड सेट ऑफ यू नॉट इक्वल्स टू फाइंड सेट ऑफ वी, दिस कंडीशन इज फॉल्स. कंडीशन जब फॉल्स रहेगा इसका मतलब क्या होगा, साइकिल. देयर फोर साइकिल इज देयर एंड इफ देयर इज ए साइकिल व्हाट वी हैव टू डू, देयर फॉर वी हैव टू रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर एज. तो हियर वी हैव टू रिजेक्ट दिस एज ए सी. तो हियर ए सी दिस पर्टिकुलर एज विल बी रिजेक्टेड. तो ए सी एज विल बी रिजेक्टेड. तो वी हैव टू गो फॉर रिजेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एज. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड सेट ऑफ यू नॉट इक्वल्स टू फाइंड सेट ऑफ वी, ये कंडीशन सिंपली हम साइकिल है या नहीं ये चेक करने के लिए यूज कर देते हैं. तो यहाँ हमने एज लिस्ट को पूरी तरीके से प्रोसेस किया है और ए बी एफ ई सी जी सी ये वो वाले एजेस है जो हमारे साइकिल मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड हुआ है. साथ साथ डी एफ वाला एज भी इंक्लूड हुआ है. जो वाले एजेस को हमने रिजेक्ट किए वो है जी एफ. तो हियर यू कैन सी जी एफ, जी एफ एज की वजह से यहाँ पे साइकिल आ सकती थी. आफ्टर दैट वी हैव एक्सक्लूडेड डी जी, डी जी की वजह से साइकिल आ सकता था. बी डी तो बी टू डी. तो हियर वी हैव एक्सेप्टेड द एज बी डी. तो बी डी एज वी हैव एक्सेप्टेड एंड ए टू सी एज जो तो था ए टू सी इसके वजह से साइकिल आ सकता था. दैट्स वाई सिंपली वी हैव रिजेक्टेड इट. तो दिस वॉज अबाउट स्टेप नंबर 3 वेयर वी हैव डन द फॉर्मेशन ऑफ एम एस टी. तो फाइनली वी गॉट सच काइंड ऑफ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एम एस टी. तो हियर इफ वी आर गोइंग फॉर कंप्यूटेशन ऑफ cost of MST, then by using Kruskal algorithm, cost of MST will be calculated by summation of all the edge weights of all the edges which we have included in the spanning tree. तो spanning tree में हमने जो जो edges include किए उनका edge weight का अगर हम sum calculate करेंगे then we will get the cost of MST. तो it will be equals to weight of
एज ए बी प्लस वेट ऑफ बी डी प्लस वेट ऑफ डी एफ प्लस वेट ऑफ एफ ई प्लस वेट ऑफ ई सी प्लस वेट ऑफ सी जी. नाउ सिंपली वी हैव टू डू द समेशन ऑफ ऑल द एज वेट्स. इट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 25 देन प्लस 22 देन एफ टू ई 12 देन ई टू सी 16 एंड देन सी टू जी 14. After doing this summation 10 plus 25 plus 22 plus 12 plus 16 plus 14, we are getting the value 99. So here cost of MST will be equals to 99. So here we have to remember one point. In case of Kruskal algorithm, we are computing the cost of MST. Then it was calculated by summation of all the age weights of all the ages which we have included in a spanning tree. Whereas if we are using a Prim's algorithm and if we want to compute a cost of MST, then it will be the summation of all the nodes which we have included into a spanning tree, summation of key values of all the nodes. So यहाँ पे हम key value add नहीं करते, किसी भी node के लिए key value calculate नहीं किया था, तो हमको ये चीज़ याद रखना है. जब Kruskal algorithm use करेंगे और spanning tree की cost calculate करना है, तो जो भी edges हमने include किए, उनके edge weight का summation हमें cost of MST देगा. जबकि Prim's algorithm की अगर हम बात करते, तो Prim's algorithm में minimum cost spanning tree का cost अगर हमें calculate करना है, तो हमें जितने भी हमारे नोट्स से वो नोट्स की जो की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी, वो की वैल्यू का सम हमेशा हमें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट फाइंड आउट का कैलकुलेट करके देता था. तो नाउ फाइनली वी हैव टू समराइज ऑल द थ्री स्टेप्स ऑफ Kruskal algorithm to compute a minimum cost spanning tree. Step number one में हमने simply जितने भी हमारे nodes थे उनके sets बनाए थे, तो make set भी function call किया था और answer a को phi करके हमने initialize करके रखा था. Step number two में हमारे पास जितने भी edges थे, ये edges की हमने sorted edge list बनाई थी. Sorted edge list बनाते वक्त हमने edges को ascending order में sort किया था, ताकि उनके एज वेट्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो सके. और स्टेप नंबर थ्री में हमने मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फॉर्मुलेट करने की कोशिश की थी, जिसमें हमने उन्हीं एजेस को इंक्लूड किया था जो साइकिल फॉर्म नहीं करते थे, और वो वाले एजेस जो साइकिल फॉर्म करते थे उनको हमने रिजेक्ट किया था. तो साइकिल फॉर्म कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे, ये चेक करने के लिए हमने कंडीशन अप्लाई किया था. वो ये था फाइंड सेट ऑफ यू नॉट इक्वल्स टू फाइंड सेट ऑफ वी. तो जब कभी भी फाइंड सेट ऑफ यू नॉट इक्वल्स टू फाइंड सेट ऑफ वी रहेगा, इसका मतलब ये है देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ साइकिल एंड सिंपली वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एज. जबकि फाइंड सेट ऑफ यू इक्वल्स टू फाइंड सेट ऑफ वी रहेगा, तो वी हैव टू गो फॉर रिजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एज. तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन ऑफ Kruskal algorithm.